पूरी फिल्म इज अबाउट इस जर्नी फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन हाउ आइडिया ऑफ रिलेशनशिप हाउ आइडिया ऑफ सक्सेस हाउ आइडिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ये आपके लिए एक एक असेट था एक तरीके से आपके टेलीविजन के बैकग्राउंड में तो डेफिनेटली सर है कि आज उसकी वजह से मुझे यू uh, नो you know, लोग मुझे रिलेट कर पा रहे हैं आपने कहा रिलेटेबल है तो क्या आपके ऊपर भी सोते में पानी नहीं फेंका जाता है <laughs> <laughs> नहीं वो नहीं बट दिया <laughs> What part is relatable? जिसे तो आपको लगता है कि यार आपकी काबिलियत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है जो आपको अभी मिल रहा है देखिए <laughs> मैं अपने आप को जज नहीं कर सकती uh, right. जब लोग देखेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसी से मुझे समझ के और फिर मैं आगे और बेटर करने की कोशिश करूँगी आई नेवर एक्सपेक्टेड द अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन आई केम माई वे फ्रॉम छिचोरे एंड आश्रम I am Tushar Pandey and I am Deepika Singh and you're watching Bollywood, Bollywood Hangama, आज हमारे साथ में तुषार और दीपिका इनकी फिल्म आ रही है टी टू अंबानी प्रोमो आई थिंक बहुत दिलचस्प है और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग प्रोमो है एंड दोनों बहुत मेहनती हैं विल टॉक अबाउट द फिल्म एंड मच मच मो बहुत, -बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉडर पे थैंक यू थैंक यू अब काफ़ी आई थिंक दिलचस्प सा प्रमो है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्रमाइज़ आप दोनों ने लिया है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है तो कैसा कैसा तजुर्बा था आप लोगों का इसको शूट करते हुए आई थिंक पहली बार तो हमने शूट पैंडमिक किया तो जब ये फिल्म आई तो उस टाइम पे ये वाला भी चल रहा था कि शूट होगी नहीं होगी कब होगी बिकॉज ये हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में शूट किया और जब फिल्म हमने ख़त्म करी उसके बाद सेकंड वेव आया तो जब शूट मैंने जब साइन करी उसके बाद वो वाला फेस था कि अच्छा अब जा रही है फ्लोर पर कि नहीं जा रही है और जब फ्लोर पर गई तो ये टेंशन था, था अब कल लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा तो वो एक चीज़ चल रही थी साथ साथ बट अगर स्क्रिप्ट की बात करूँ तो मुझे बस सबसे बढ़िया बात ये लगी बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट था और जिस तरीके से जब मेरे रोहित जो राइटर डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई तो ही वॉन्टेड टू कीप इट वेरी रियल इन द जोन सो इवन इन टर्म्स ऑफ अपियरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग द कैरेक्टर इट फेल्ट लाइक आज का लड़का मेरे को बिल्कुल छोटे शहर का मिडिल क्लास लड़का तो टी टू जैसा नाम भी है तो बिल्कुल लगता है कि गली का लड़का है और जैसे मेरे भाई का नाम चिंटू है तो मुझे बिल्कुल वैसी साउंड करा कि टी टू एंड फ्रॉम द बिगनिंग मेन व्यू डिस्कसिंग अ बॉय हुज ड्रीम आर बिगर देन इज एक्शंस तो मुझे हमेशा लगता है कि हाँ यार हम आजकल इतने इन्फ्लुएंस रहते हैं कि हम बस सक्सेसफुल बन जाएं पैसा आ जाए एंड द आइडिया टू देन द लाइफ स्टार्ट्स यू नो दिस सो सेंट्रिक आइडिया ऑफ हैविंग की ये हो जाए फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी एंड सम हाउ दिस बॉय यही सोचता है पूरी फिल्म इज़ अबाउट इज जर्नी फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन हाउ आइडिया ऑफ़ रिलेशनशिप हाउ आइडिया ऑफ सक्सेस हाउ आइडिया ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेज इन समबडी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इज़ कमिंग फ्रॉम और uh, कहीं ना कहीं बिकॉज एज एन एक्टर इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग वैन द टाइटल रोल का आप कर रहे हैं तो आपकी एक रिस्पांसिबिलिटी एंड अ नेक्स्ट चैप्टर फॉर यू जब आपको लगता है कि यार अब एक कदम और मेहनत में चेंज नहीं है बिकॉज आप छोटे काम के लिए उतना ही मेहनत करते हैं बट सम हाउ देट यू मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीन्स दट आर नॉट इवन योर यू नॉट इवन इन सीन यूर स्टिल ट्राइंग टू थिंक एंड सी हाउ हेल्प हाउ मच यू कैन हेल्प द होल फिल्म सो फॉर मी इट बिकम समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल एज एन एक्टर टू प्ले आपने कहा रिलेटेबल है तो क्या आपके ऊपर भी सोते में पानी वानी फेंका जाता है <laughs> नहीं वो नहीं बट <laughs> नहीं बट बट इज रिलेटेबल नो आई मीन द होल आइडिया कि जब आप ए, जब आपको लगता है कि यार आप नहीं जब जैसे आपको लगता है कि यार आपकी काबिलियत जो है ना वो काफी ज्यादा है जो आपको अभी मिल रहा है आइडिया कि नहीं यार जैसे किरदार का भी है कि नहीं यार मैं पंद्रह बीस हजार की नौकरी नहीं करूंगा यार मेरा जो है ना वो औकात तो यार लाख दो लाख वाले कैरेक्टर जो कैरेक्टर सोचता है एंड इन लॉट ऑफ टाइम इन स्माल प्लेसेस यू डू फील यार यू नो शुड आई डू दिस थिंग्स आई फील आई मच मोर व्हाट कम्स टू मी इज मच मोर दैन व्हाट इज कमिंग एंड आई थिंक एक छोटे शहर में जिस तरीके की मैं हूँ डेली से बट यू नोट कमिंग फ्रॉम आर मिडिल क्लास फैमिली यू आलवेज हैट लुक डट पीपल एंड लुक डट थिंग्स एंड इज सॉट कि आर आई डिजर्व दट वाई एम आर नॉट गेटिंग दट एंड वन आई सार्ट इड रीडिंग्स स्क्रिप्ट एंड सार्ट सींग थिंग आई सार्ट फीलिंग की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वेयर इट्स ऑलवेज अबाउट द डेस्टिनेशन एंड नेवर अबाउट द जर्नी एंड आई थिंक द हाउ द कैरेक्टर फ्लोज हैज़ अ वेरी सिमिलर वाइब टू इट आई फील इवन नाउ छोटी बात एक बात करूँ कि आजकल ज़्यादा ध्यान इस पर रहता है कि किसके साथ मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूँ जब मैं खाना खा रहा खाऊँ फॉर एक्जाम्प्लफ एम विद पेरेंट्स एंड द आइडिया इज ऑलवेज कि यार वो चीज़ ना छूट जाए वो चीज़ ना छूट जाए बिकॉज आई एम टू मच थिंकिंग वॉट वॉट इल इम्पैक्ट मी इन माई लाइफ इन माई करियर इन माई थिंग्स एंड सम हाउ यू स्टार्ट फॉर गेटिंग दट वाट्स हैपनिंग अराउंड यू काइंड ऑफ ऑल्सो हेल्प्स वे यू आर गोइंग दिस इज वेर दैपीनेस कम्स फ्राम एंड आई थिंक दोज थिंग्स इन वे डू अफेक्ट हाउ यू आर लुकिंग एट टू वर्क इन अदर थिंगली एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये है कि आपने कहा कि दैट डिजर्व मोर एन थिंक दैट मुझे मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए जी जी आपने भी करीबन छः सात साल तो आपने, आपने अपने सिनेमा आपने पढ़ा है जी एन एस जी से आपने किया है आप डिजर्व करते हैंटर मोस्ट ऑफ माई लाइफ वैन आई स्टार्ट देर यू गेट अ चांस टू डू अ लॉट ऑफ वेरी कैरेक्टर्स इन वैन डू शेक्स पे फॉर एग्जाम्पल यू डूइंग अ वेरी लॉन्ग हाई लेवल ऑफ सोल एंडीलिंग यून दिस इज़ वेर आप अपना पूरा टेक्सचर और क्वालिटी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं When, when it comes to films for example you you kind of go slow because with films, what has happened initially it just becomes real tough that you are feeling what do you do when i came here kind of pink was kind of the initial film that i'd done you know and you start understanding okay se film ka setup ka you know what is that thing that you have how do you work around it because i've never worked in films or studied films i've studied acting and i think for me slowly and slowly i started feeling okay now people are accepting me

That though deserving, baat hai, a lot applies to you that what you say yes to or what you say no to. Because uh, I think if I'm going in a way that people are accepting me, I will eventually get what I deserve. Rather than just accepting anything that comes my way, because then it's very difficult. Because cinema in itself is a medium where a lot of money is invested, a lot of results, like what you do is translated into what you get uh, in terms of money and how much people are ready to put money on you and your things. So, आई थिंक डिजर्विंग इन फिल्म में तो मुझे लगता है कि यू नो आर माई डिस काइंडफ़ लीड मी देयर सो यस आई डू फील बट आई एम टेकिंग द राइट स्टेप इन माई हेड दैट इज़ लीडिंग मी देयर सो दीपिका जब आप ये प्रोमो देखते हैं यह आपकी पहली फिल्म है प्रोमो देखते हैं तो उसमें एहसास ही होता है कि दैट यू नो दैट हीज अन एक्टर नोज वॉट वॉट चीज इज़ डूइंग एंड आई थिंक टेलीविजन के बैकग्राउंड की वजह से आई थिंक बहुत आपको डेफिनेटली आपको आपको एक आपको हेल्प हुआ बिकॉज यू नो आपका एक ट्रेनिंग आपकी ऑलरेडी है यू यू ऑलरेडी नो हाउ टू 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 स्पीक द द द कैमरा कैमरा एंड एंड इंटरेक्ट नीड्स बी डन ये आपके लिए एक एक असेट था एक तरीके से आप टेलीविजन का बैकग्राउंड एक तरीके से आपके लिए रहेगा एसेट तो डेफिनेटली सर है कि आज उसकी वजह से मुझे यू नो लोग मुझे रिलेट कर पा रहे हैं आज ट्रेलर देखा जा रहा है मेरा मौसमी ऑल फिल्म का नाम टीटू अम्बानी है बट मेरा नाम भी सामने आ रहा है तो ऑब्वियसली वो असेट है मेरा लोग मुझे जानते हैं तो मुझे लोगों से रिक्वेस्ट करना है या लोगों को बोलना है तो मेरे लिए आसान चीज है मगर जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट मिली और जिस तरह से कैरेक्टर है तो मुझे एक्चुअली बहुत चैलेंज लगा क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा काम नहीं किया था और कई सारे बिकॉज टेलीविजन में क्या होता है हमें आदत पड़ जाती है कि आपको तुरंत तुरंत स्क्रिप्ट मिलती है और आप परफॉर्म करते हैं यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पहले मिल गई तो आपके पास में पंद्रह दिन हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आ, इसको कैसे है? मतलब यू नो उस पर काम करना है आपको आपको सेट पर जाकर मौका नहीं है आपको कैरेक्टर ये चीज़ प्रोसेस मेरे लिए बहुत नया था और साथ में अपने आप को नेचुरल दिखाना वहाँ पे हमें आ, जिस तरह के हम डायलॉग डिलीवरी करते हैं वहाँ पर डिफरेंट है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है जैसे आप हैं वैसे बट कैरेक्टर के शेड्स के साथ तो पूरा प्रोसेस बहुत नया था इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मैंने ये डिसीजन लेकर सही किया है यू you नो know, एक जगह पे आप कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे आपको जाना चाहता है नो हाउ पीपल विल लुक एट मी क्या मुझे वापस से यू uh, नो you know, बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि मुझे बेशक स्क्रिप्ट मिली और उस पर खड़े उतरना उस तो प्रोसेस मेरे से छूट गया था तो और स्पेशली स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में ही मुझे क्लाइमेक्स के नज़दीकी सीन करने थे तो ऐसा नहीं था कि आ, मैं गई और मेरे लिए इजी था स्किन में घुसना चलो एक आध सीन में सॉफ्ट लाइटर सीन है ऐसा नहीं था शुरुआत से ही फ़र्स्ट डे या सेकेंड डे ही काफ़ी मेरे, मेरे मेजर सीन थे इन्फैक्ट तुषार के तो हम दोनों के लिए स्टार्टिंग के फोर डेज वॉज़ रियली इंटेंस जहाँ हमें आ, ग्राफ के साथ में जो हमने सोच लिया स्क्रिप्ट को सिर्फ स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मतलब विद लाइक बिकॉज उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि लोग आपको जानते हैं आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति आज ये नहीं है कि गलती करके निकल गई यू नो तो वो जिम्मेदारी आपको घुस घर दे देती है कि मुझे पता है ये सीन ही इतना डिमांड करता है बट मैं इस टाइम पर ये दे पा रही हूँ वो कनेक्ट करना उस सीन से क्या वो निकल के आ रहा है स्पेशली छोटे बजट की फिल्म में वी कॉन्ट अफोर्ड टू टेक रीटेक्स सो मतलब यू नो टाइम नहीं है हमें कई सारे सीन एक दिन में करने हैं सो so, uh, बहुत सारा प्रेशर था बट टचवुड बिकॉज ऑफ तुषार ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द लाइक टीम स्पिरिट जो मैं चाहती थी काफ़ी हद तक वो मैं डिलीवर कर पाई हूँ बाकी तो देखिए मैं अपने आप को जज नहीं कर सकती uh, जब लोग देखेंगे और uh, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसी से मुझे समझ के और फिर मैं आगे और बेटर करने की कोशिश करूँगी ओके okay. uh, जैसे uh, बहुत बार हम देखते हैं कि टेलीविजन पे जो जो थीम्स होती हैं औरतों से रिलेटेड थोड़ा सा रिग्रेसिव होती हैं एट टाइम्स ये कहा जाता है जी, 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 लेकिन यहाँ पर जैसे ये जो बात है कि यहाँ पर स्टैंड आउट इमिजिएटली करती है कि वो आ, उसका ये जो एक स्टैंड है कि मैं अपने अपने माँ बाप के लिए मैं कमाऊंगी तो वो एक स्टैंड जो है वो आई थिंक दैट्स अ प्रोग्रेसिव स्टैंड एंड लड़की का धर्म जो है सिर्फ ये नहीं कि भाई एक बार पराया पराया धन है एक बार शादी हो गई उसके बाद फिर सब कुछ जो है वो Uh, लड़के वालों का हो गया या लड़के का हो गया विच इज इज अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट टू मेक इन अ वे एंड एंड शी इज एडमेंट ऑन दैट या वो उसको स्टिक करने की वो बात करती है एटलीस्ट प्रोमो होते तो ये जो एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट है वो एक एक औरत होने के नाते आपके लिए कितना आपके लिए अहमियत रखता है बहुत रही हैं बिकॉज मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरी एक जिम्मेदारी भी है सोसाइटी की तरफ और बिकॉज uh, लोग मुझे वैसी उस तरह से इंस्पायरिंग चीज़ों में देखे हैं पहले से तो एक और uh, चीज़ आ जाती है और मुझे लगता है आज हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो बदलाव थोड़ा ईजी हो जाएगा आज हम कहते तो हैं कि ना लड़का लड़की एक बराबर बट जब लड़की की शादी हो जाती है पच्चीस अट्ठाईस साल के बाद क्या वो एक बराबर इक्वालिटी दिखती है हमें पेरेंट्स तो हेजिटेट करते हैं ना मतलब कि नहीं नहीं अब इधर उतना नहीं इतना हेल्प इतना लाने की ज़रूरत नहीं है परायाधर है तो अब तो वो चीज़ें बचपन से लड़की सुनती आ रही है कि मैं अपने भाई के बराबर हूँ यू नो मैं लड़कों के बराबर हूँ बट सडनली जब शादी होती है तो वो चीज़ें उसको फिर लगता है यही माँ बाप मुझे अभी पराय होगी जैसे ट्रीट कर रहे हैं आज अगर मैं कुछ गिफ्ट लेकर जा रही हूँ तो मम्मी बोलती है कि उन्होंने साड़ी इतनी महंगी क्यों खर्च कर दी अपनी सास को देनी चाहिए थी तो so, आप सडनली आपको लगता है ये नेचुरल है बिकॉज अब लड़कियाँ आगे आके शायद बोल नहीं रही है इस बारे में बिकॉज uh, हम सोचते हैं औरत से उम्मीद करते हैं कि यू नो इनके ये तो होना ही है ना आई थिंक औरत उस तरह से बनी है लेडीज़ उस तरह से बनी है कि यू नो दैट दे हैव दपाल टू चेंज यू नो दूसरी फैमिली में जाती है उसकी बन जाती है बट इमोशंस तो रहते ही हैं ना तो Uh, मुझे लगता है कि uh, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली uh, ये बात कहने की तो मुझे लगता है वो जो बराबरी है इन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होनी बहुत ज़रूरी है अगर कहीं ज़रूरत है तो नहीं आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं uh, जैसे हम आपसे आपसे जो अभी बात कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा तो ये ये एक आई थिंक जो जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है बड़ी बेरहम दुनिया है फिर hmm. हम दुनिया में इस तरीके से कह रहा हूँ जो मतलब जो फिल्में बनती हैं या फिर जो बन, सीरियल्स बनते हैं वो तो ख़ैर लोगों को मनोरंजन करते हैं इंटरटेन करते हैं बट लेकिन यह है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है और ये सारी चीज़ें जो एक जो, जो, जो प्रोवर्बियल टर्म्स हैं right. yeah. वो दे कैन बी दे कैन भी रहा रूथलेस मतलब अभी जब जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूँ कि दैट आप जितने आपने ट्रेनिंग करी है तो जाहिर सी बात है आपको एक फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि यार जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो तो मुझको मिलना चाहिए बिकॉज फिर जाहिर सी बात है अगर किसी ने इस लेवल पे नैश एन एस से अगर थिएटर किया हुआ है या अगर आपने और आपने सब अच्छे से सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं प्रैक्टिकल तरीके से आपने की हुई हैं तो बहुत बार आपको लगता होगा ये तो मैं इससे इससे बेटर तो मैं कर लेता इसको इतनी इतनी इसको सक्सेस मिल रही है तो वो जो एक जो एक पूरा प्रोसेस है और पेशेंस का जो प्रोसेस है और जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं आपको मिल नहीं पा रहा है वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक एक क्वालिफाइड एक्टर के लिए। I, I'll give you one line. जो कि बहुत फेमस रशियन डायरेक्टर एंड राइटर थे I think उनके ने उनका अपनी किताब में जिक्र जी लिखा है देयर आर नो वाह व्हिच क्लियरली ट्रांसलेट्स इन गॉड आश्रम और रात मैटर मम्मी छिछोरे माय जॉब इज टू हाउ क्रेडिबली आई कैन गिव दैट

आई हैव डन इनाफ वर्क डज इट मीन कि कोई आज मुझे बोलेगा कि चलते को मैं लीड लेकर माता हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व इन मेकिंग अ फिल्म बट इफ आई एम एबल टू डू माई पार्ट वॉट इज गिवन टू मी देर इज अटेप अप एंड टू इवेंचुअली गेट अ फिल्म स्मॉल प्रोडक्शन हाउस बट टू गेट अ फिल्म इज अ टाइटल रोल विद द काइंड ऑफ एक्टर्स देर आर रघवीर जी वीरेंद्र सक्सेना समता सागर सपना साड क्रेडिबल एक्टर्स दीपिका दीपिका ओब्वियसली मतलब हम लोग यहाँ बेटर उसके अलावा की बात कराऊव सिंगर रेखा जी हैज संग सॉन्ग शाममली संग सॉग अभि जोधपुरकर हैज संग सॉन्ग आई मीन वट एम ट्राइंग टू से द राइट काइंड ऑफ पीपल केम टूगेदर टू मेक अ फिल्म एंड आई फील दट ओके इट इज़ अ स्टेप फॉर्वर्ड आई एम डूइंग बेटर देन वट एम इज डूइंग यस्ट डे एंड दिस इज अ स्टेप फॉवर्ड एंड मेरे को लगता है इंडस्ट्रीज अबाउट सस्टेनेबिलिटी नो इफ आई कैन वेक अ वन बिग हिड एंड देन नथिंग हैपन्स माई वे आई डोंट थिंक एज द राइट थिंग टू डो रादर देन आई एम स्टेपिंग अप एंड अप एज फिल्म आर हैपनिंग पीपल आर बिगनिंग टू गेव मी सम क्रेडिबिलिटी इन माई वर्क बिकॉज ऑफ इट इज द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू चूज एंड मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक इज अ गुड स्टेप एंड यस एवरी वन फीज दट डिजर्व मोर बट इफ दे आर वर्किंग फॉर इट आई थिंक आई हैव लिटिल कॉन्फिडेंस इन माई वर्क एंड हेस पोस्ट छोर है मैं आपको सच बताऊँ तो इतना काम आ रहा था डायरेक्टली फॉर वेरी सिमलर रोल विच इज़ ममी का यू नो टे मिट बॉय जो घबराता रहता है ममाज बॉय लॉर्ड ऑफ वर्क एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू से यार अभी लोग ना जानना शुरू करें पैसा अच्छा आ रहा है सडनली बिकॉज आफ्टर सोर एवरीबडी वॉन्टेड काइंड ऑफ रोल एंड आई वॉज लाइक विल दिस हेल्प मी विल आई फील हैप्पी अबाउट इट विल इट गिव मी सम काइंड ऑफ चैलेंज आई वॉज वेरी क्लियरली थिंकिंग नो इट बिकम अ जॉब फॉर मी कि अब मैं जाके वो दोस्त का रोल करूँगा और वो हंसाने वाला करूँगा बिकॉज चल रहा है तो रोल्स वैसे आ रहे हैं एंड आई सेड नहीं पता है आर ए काम इट्स ओके आई गो स्लो आश्रम हैपन अ इयर लेटर वेन इट केम आउट एंड आई गॉट रेग्नेश फाइन इट्स ओके आई डिड अ फिल्म कल्ड होम कमिंग विच इज अ बंगाली इंग्लिश फिल्म इट्स गोइंग टू फेस्टिवल इज ग्रेट आई हेम शूटिंग आई हेव शॉट अ फिल्म कॉल्ड लॉस्ट विच इज अल रॉयच रीपिंग्स डायरेक्टर्स नेक्स्ट फिल्म वेरी गुड रोल एंड एम लाइक यर ओके पीपल आर ऑफरिंग मी रोज इट्स म मिस् बैग ऑफ समटाइम ऑडिशनिंग समाइम टेस्ट एंड ऑफर्ड एंड एम संग ओके तो स्टे अपर दैन टी टू के माई आर रेड द टाइटल रोल देर इज समथिंग आई कैन शो टू पीपल वू वॉच इट तो आई फील इट्स बेटर टू गो स्लो एंड क्रेडिबल दैन टू डू फाइव रोल सनली गेट मनी एंड देन नो वन ऑफर्स यू एन इंटरेस्टिंग रोल सो येस देर इज अ स्ट्रगल देर इज अ स्ट्रेस बट यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन एन से बॉस इट्स अ लंबी रेस का टाइम एंड नॉट अ टू ईयर सक्सेस एंड देन वही दोस्त के रोल करते रहो बिकॉज आप उसमें नाम कमा चुके हो वेरी नाइस वेरी नाइस ओके ना दीपिका जैसे आपका टेलीविजन uh, में आपका एक आपका एक अच्छा नाम है uh, जैसे बहुत बार हम लोग जैसे स्टीरो की बात कर रहे हैं uh, तो बहुत बार ये होता है कि भाई आपकी शादी हो गई बच्चा हो गया तो फिर एक ये एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि दैट यू नो के दैट मे बी शी मे बी द हीरोइन शी विल बी डूइंग इट पार्ट टाइम काम करेंगी और फिर एक सर्टन परसेप्शन बन जाता है उसके उनके बारे में वो एक प्रोफेशनलिज्म की जो बात होती है और जो एक कट रोड एलिमेंट की बात होती है दूसरी तरफ ये होता है कि बहुत बार जो एक्टर्स होते हैं एक्ट्रेस होते हैं वो बहुत लोनली भी होते हैं बिकॉज दे दे दिन टू शन अवे रिलेशनशिप्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क कि उनके लिए काम ही उनका सब कुछ होता है उसकी वजह से दे डोंट वॉन्ट टू फॉल इन टू फॉन् रिलेशनशिप एंड दे एंड ऑफ बींग वेरी लोनली एंड उनके एंग्जाइटी इशूज़ अलग तरीके के हो जाते हैं तो बहुत ही पेचीदा सा uh, मतलब uh, मसले हैं इंडस्ट्री में जी। mm -hmm. आप कैसे देखती हैं द इफ इफ यू हैव टू टू टेल ऑल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हु आर वाचिंग दैट हाउ

आपको लगता ही नहीं है ट्वेंटी फोर आवर्स भी कम पड़ते हैं तो एज एन एक्टर मुझ में ललक रहती है बेटर करने की और मुझे लग मुझे पता है कि मुझे उस टाइम के लिए एक महीने के लिए मुझे कट ऑफ होना है Uh, और आई थिंक मैं उतनी स्ट्रॉग हूँ कि मैं वो कर पाती हूँ आई हैव दैट सपोर्ट सिस्टम एंड आई बिलीव कि वो लोग रॉन्ग नहीं हैं बिकॉज ऑब्वियसली इतना मनी एंड एवरी थिंग इज़ ऑन यू एंड यू आर द फेस एंड स्पेशली वो सब चीज़ें तो सैड ही हो जाती हैं पर्सनल प्रोस्पेक्टिव की बात करूँ तो ख़ुद से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस एक महीने के अंदर इस हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा लगती है तो क्या मैं इतना डिवोट कर पाऊँगी जब मुझे लगता है कि हाँ मैं वो यू नो आइसोलेशन में जा सकती हूँ और मैं वो डिवोट कर सकती हूँ तभी मैं वो प्रोजेक्ट पकड़ती हूँ और फिर उसके लिए और जब मेरे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी जैसे फिल्म में आने की है तो मैं बहुत स्ट्रॉग हूँ और तब मैं नहीं देखती बिकॉज़ मैं ये सोचती हूँ कि गॉड है जो सबका ध्यान रखेंगे और मेरी फैमिली का भी रखेंगे आई एम नॉट द ओनली पर्सन यू नो जो अकाउंटेबल और जो लाइबल है मेरी ड्यूटी मेरे सब टाइटल्स हैं बट साथ में सबसे बड़ा टाइटल है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे मेरे अंदर तो बहुत ललक है और बहुत कुछ है जो मुझे डिलीवर करना है स्क्रीन को तो दैट्स वाई मैं अपनी लाइफ में भी ग्रो हो रही हूँ ताकि मुझे उधर से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले क्योंकि मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है इन अ सटल वे सो एंड दैट्स वॉट कि मैं इतने वक्त के बाद आ रही हूँ बट आई एम एबल टू डिलीवर समथिंग न्यू एंड बिकॉज मैं थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही हूँ तो लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बट साथ में जो आपका काम जो डिमांड करता है उस पर खड़े उतरना मुझे लगता है कि जब मैं वो हंड्रेड परसेंट दे पाती हूँ वो मेरा सबसे मुझे गर्ण नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मैंने काम किया और मैंने इसमें बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल इशूज़ मैं नहीं डिवोट कर पाई बट और ये पर्सनल प्रॉब्लम्स तो शुरू से हैं ऐसा नहीं है कि अभी से हैं लाइफ किसी की भी बहुत बराबर नहीं होती है तो वी हैव टू मैनेज मुझे लगता है माइंड ही सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है और वही आपका सबसे बड़ा साथी होता है तो आई आई ट्राई टू मेडिटेट एवरी डे आई डू ओडीसी डांस यू नो विच हेल्प्स मी टू डिसकनेक्ट विद एवरी थिंग दैन आई डू मेडिटेशन आई एवं इन टू वर्कआउट ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग फॉर माई माइंड सो दैट वेन एवर आई नीड दट आइसोलेन आई एम एबल टू डू दैट

और मैं वो कर पाती हूँ टचवुड एंड उसके लिए हर दिन मेहनत करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान अगर खुद इतना डेडिकेटेड है जब लोग देखते हैं कि दैट शी इज़ डेडिकेटेड एंड शी इज़ हार्ड वर्किंग आज मैंने तुषार तो के साथ काम किया सीनियर समता जी वीरेंद्र सर मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा खेल होता है आप आ, किसी को जो आ, सोशल मीडिया पे या फिर आप जो आपकी इमेज होती है उससे जो बातें होती हैं मगर जो पर्सनली जो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं वो आप नहीं छुपा सकते आप जैसे वो दिख जाएगा दो दिन में तीन दिन में वर्ड ऑफ माउथ से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं अगर मैं सिर्फ दिख दिखा मैं जब परफॉर्म कर रही हूँ मैं किस तरह से काम को ले रही हूँ तो वो चीज़ वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होती है और डेट्स डैट्स फायर मैंने उसके बाद भी काम किया है हमारे दोनों हीरो हीरोइन बहुत समझदार हैं ये बहुत 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 ये क्लियर हो चुका है आई थिंक दे आर प्रीटी सॉर्टेड इन देयर माइंड्स एंड 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 इट्स वंडरफुल हाय आई एम तुषार पांडे एंड आई एम दीपिका सिंह एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा